Hello kids. Welcome to PS Classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल पे. वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरा नाम है पिंकी सिंगल और हम कर रहे हैं फोनिक्स. और फोनिक्स में हम कर रहे हैं हमारे फाइनल ब्लेंड. तो फाइनल ब्लेंड क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया था कुछ वाउल्स और कंसोनेंट का कॉम्बिनेशन वर्ड के लास्ट में देता है हमको एक अलग से साउंड. तो देखते हैं हमारा आज का फाइनल ब्लेंड क्या है. तो हमारा आज का फाइनल ब्लेंड है आई एन ई का कॉम्बिनेशन. आई एन ई का कॉम्बिनेशन जो हमें देता है तीन तरह की साउंड. जी हाँ, तीन तरह की साउंड देता है बेटा ये. इसमें बेटा हमारे तीन तरह के साउंड कौन कौन से हैं वो देखते हैं. तो सबसे पहले इसमें है डबल ई का, यानी लॉन्ग ई का साउंड, यानी ई इन का साउंड. आई इसमें ई हमारा जो है लास्ट में वो साइलेंट है, बट जो ये आई है हमारा वो लॉन्ग ई की साउंड देगा. ठीक है, ईन. तो एक वर्ड हो गया हमारा ई जो लास्ट में बोलेगा ई. फाइन. और दूसरा है आई का लॉन्ग साउंड. उसका लॉन्ग साउंड क्या होगा बेटा? लॉन्ग साउंड क्या होता है आई का? यानी आई आई आईन. फाइन. आई अपना ही नाम लेगा, यानी मैंने आपको बताया था कि वाउल्स जो होते हैं उनका नाम ही उनका लॉन्ग साउंड होता है. तो ये एक इस यहाँ पे वो बोलेगा इन, और यहाँ पे इन सेकंड में इसका जो साउंड होएगा वो होगा आइन आइन. फाइन. और थर्ड साउंड है आई का शॉर्ट साउंड. आई का शॉर्ट साउंड क्या बेटा? ई ई, छोटी ई, पिन वाला. ठीक है, जिससे प ई पिन. ओके, छोटी ई, जैसे हमारा हिंदी में बड़ी ई छोटी ई होता है, तो इसमें छोटी ई का साउंड है. तो ये होगा इन. ओके, और ऊपर वाले में बड़ी ई, ये बड़ी ई का साउंड रहेगा, इसमें छोटी ई का साउंड रहेगा. फाइन. तो तीन है इसके साउंड, एक एक करके करते हैं बेटा. आज हम करेंगे इसमें डबल ई का साउंड, यानी जो आई है वो हमें डबल ई यानी ई का लॉन्ग साउंड देगा. फाइन. तो चलिए वर्ड्स देखते हैं. ओके बेटा, सबसे पहले ये वर्ड देखते हैं. ज ई ई जीन. ओके फाइन. ज ई जीन. ओके, तो यहां पे इसको जीन पढ़ेंगे, जाइन नहीं पढ़ेंगे. फाइन. उसके बाद है म म श ईन मशीन. फाइन. यहाँ पे सी एच श का साउंड दे रहा है, च क श. सी एच के कितने साउंड होते हैं? च क श. फाइन. ये हो गया हमारा वर्ड मशीन. उसके बाद है र रू ट ईन रूटीन. ओके, नेक्स्ट है म और फ ईन मॉर्फीन. फाइन. र अ व इन रवीन. इन सभी वर्ड्स में इनमें जो आई है वो बड़ी ई की साउंड दे रहा है. कौन सी साउंड दे रहा है? बड़ी ई. इन इन बड़ी ई की साउंड है इसमें. ठीक है, तो ज इन जीन म श इन मशीन र रू ट इन रूटीन मॉर्फ इन मॉर्फीन र वीन रवीन. ओके, अब ये वर्ड्स देखते हैं. क्ल क्ल सी एच और एल का कॉम्बिनेशन क्ल क्लो र इन क्लोरीन. यहाँ भी ई का जो है बड़ी ई का साउंड है, यानी आई जो है यहाँ पे डबल ई यानी ई का लॉन्ग साउंड, और हिंदी में बोलेंगे तो बड़ी ई का साउंड दे रहा है. ठीक है, ईख वाला. ओके फाइन. तो क्ल ओरीन क्लोरीन. फाइन. अब व एक वैक स इन, यहाँ पे बड़ी ई वैक्सीन. देखिए व एक, और देखिए यहाँ पे क है सी का साउंड और यहाँ स है. यहाँ स क्यों आया बेटा? क्योंकि इसके आगे यहाँ पे आई है, इसलिए व एक वैक स इन वैक्सीन. फाइन. नेक्स्ट वर्ड क यू क्यू ज, यहाँ पे एस का साउंड है ज. ठीक है,
याद है म ग मैग ज ई मैगजीन है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट है गैस अ, यहाँ पे यू का साउंड अ है ठीक है। गैसोलीन गैसोलीन फाइन, इसे गैसोलाइन नहीं पढ़ेंगे गैसोलीन ओके। चलिए यहाँ पे मरीन म र ई मरीन ओके। और यहाँ पे भी ई का जो साउंड है वो बड़ी ई है, यहाँ पे भी बड़ी ई है। अब ये वर्ड आ गया ठीक है क्वारंटीन क्वारंटीन फाइन। उसके बाद है बेटा हमारे ये दो वर्ड्स हैं, पहले इन वर्ड्स को हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं फिर ये दो वर्ड्स देखते हैं ठीक है। तो हमारे वर्ड्स क्या है, जीन मशीन रूटीन मॉर्फीन रवीन क्लोरीन वैक्सीन क्यूजीन मैगजीन गैसोलीन मरीन क्वारंटीन क्वारंटीन राइट। तो ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स को भी हम इसके फोनिक्स की हेल्प से बेटा आराम से रीड कर सकते हैं ठीक है। अब ये दो वर्ड्स आ गए, ये दो जो वर्ड्स है ना बेटा ये इसमें लॉन्ग आई का भी साउंड है और लॉन्ग ई का भी। कैसे, अगर हम इसको पढ़ते हैं अमेरिकन लैंग्वेज के हिसाब से या फिर हम इसको पढ़ते हैं इसको हम जब पढ़ते हैं अमेरिकन लैंग्वेज के हिसाब से तो हम इसको पढ़ेंगे आयो आयो डाइन आयोडाइन ठीक है। और अगर हम इसको पढ़ते हैं अपने इंडियन लैंग्वेज से और ब्रिटिश लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम इसको पढ़ते हैं बेटा तो इसमें डबल ई का साउंड आएगा यानी आयोडीन आयोडीन ठीक है। तो अमेरिकन लैंग्वेज में इससे पढ़ा जाता है आयोडाइन, बट इसको ब्रिटिश और इंग्लिश ब्रिटिश लैंग्वेज में और अपनी इंडियन लैंग्वेज में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं आयोडीन ओके फाइन। दूसरा वर्ड है ये फाइन। अब इसको अगर हम पढ़ते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में ठीक है, अगर हम इसको अमेरिकन लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ते हैं तो बेटा इसमें डबल ई का साउंड आएगा यानी ई बड़ी ई का साउंड आएगा तो से लीन से लीन ओके। और अगर हम इसको पढ़ते हैं ब्रिटिश लैंग्वेज के हिसाब से तो हम इसको पढ़ेंगे से लाइन फाइन ठीक है बेटा। तो इसको ये हो गया हमारे वर्ड्स जिनके लास्ट में आता है आई एन ई का साउंड और वो हमें तीन तरह के साउंड देता है, डबल ई यानी लॉन्ग ई का साउंड, आई का लॉन्ग साउंड यानी आई और आई का शॉर्ट साउंड यानी ई ठीक है। तो आज हमने किया आई यहाँ पे डबल ई का साउंड दे रहा है यानी ईन ठीक है। जैसे हमारे वर्ड्स थे जीन मशीन रूटीन मॉर्फिन रवीन क्लोरीन वैक्सीन क्यूजीन मैगजीन गैसोलीन मरीन क्वारंटीन और आयोडीन और से लीन। तो ये हमारे वर्ड्स थे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिनमें आई एन ई बेटा आई एन ई हमें देगा लॉन्ग आई का साउंड यानी वहां पे वो बोलेगा आइन आइन ठीक है। तब तक इन वर्ड्स को अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करिए, रीडिंग प्रैक्टिस करिए बेटा ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आई एन ई के दूसरे साउंड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर बाय।